मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा, सीएम के सिया ने ग्रामीण विकास के साथ गांव का चेहरा बदल दिया है और ग्रामीण क्षेत्र एक विशेष दृष्टिकोण के साथ व्यापक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मंत्री ने रंगारेड्डी जिले के माहेश्वर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अमीरपेट और गट्टुपल्ली गांव में विकास कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि गांव की प्रगति के अंतर्गत खेल मैदान, नर्सरी, वैंकट धाम, ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर सहित सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों की ओर से मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी ने माहेश्वरम और कुदुकुरु मंडल के गांव को 10-10 लाख की धनराशि, मेडिकल कॉलेज और सब स्टेशन देने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं को लेकर सचिवालय सीएस शांति कुमारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक हुई है। बैठक में ग्रीडाई, नरिडको, तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन और तेलंगाना डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में नगर निगम, राजस्व, सिंचाई, वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। सरकार से हस्तक्षेप कर इनका जल्द समाधान करने को कहा गया है। प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि वर्तमान मास्टर प्लान के कुछ पहलू रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे हैं। जब तक नया मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता, जब तक वर्तमान मास्टर प्लान के उन पहलुओं को बदलने के लिए नगर निगम विभाग में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्माण अनुमति के साथ साथ टीएस विपास के अंतर्गत बोरवेल की भी अनुमति देने को कहा है। इसी तरह उन्होंने पूछा कि इमारत को अस्थायी बिजली कनेक्शन भी टीएस विपास आवेदन के हिस्से के रूप में दिया जाना चाहिए। नगर निगम विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैठक में टीएस रीडर के अध्यक्ष डॉक्टर एन सत्यनारायण, सीसीएलए आयुक्त, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव नवीन मित्तल, वाटर वर्कर्स एमडी दान किशोर, वाणिज्य कर आयुक्त नीति प्रसाद और अन्य अधिकारी शामिल हुए। गोशा महल बीआरएस नेता गुड्डन श्रीनिवास यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोटी महिला विश्वविद्यालय के वीसी विजुलता की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विजुलता ने सुल्तान बाजार पुलिस से शिकायत करी और उसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कोटी महिला कॉलेज वीसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बीआरएस नेता पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने वीसी की शिकायत में कहा कि इसी महीने की पहली तारीख को उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान करी और इसी के लिए उन्हें सम्मानित करने का आदेश जारी किया गया। कहा जा रहा है कि जब उनसे महिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने को कहा गया तो उन्होंने वीसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह गोशा महल बीआरएस विधायक के उम्मीदवार है, क्या आप आईएएस या आईपीएस अधिकारी है? उन्होंने शिकायत करी कि वीसी बनने के बाद आपकी आंखें लाल हो गई। पुलिस ने स्पष्ट किया उनकी शिकायत के अनुसार श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुया को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कॉन्सिलियम द्वारा सिफारिश की गई है। इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राज्य हाई कोर्ट के लिए नए सीजे की सिफारिश की। कॉलेजियम में तेलंगाना के लिए जस्टिस आलोक अराडे के नाम की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति आलोक अराडे को वर्ष 2009 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2018 से वह कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। जेटामसी मेयर गद्वार विजय लक्ष्मी ने कहा, जेटामसी के अंतर्गत आने वाले सभी पार्कों का विकास किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय विधायक प्रकाश गौर के साथ राजेंद्र नगर सर्किल गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में 2,24,00,000 की लागत से 3 एकड़ जमीन पर थीम पार्क की शुरुआत करी है। मेयर ने कहा है कि पार्क 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कॉलोनी के बूढ़े और जवान लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। महापौर ने संज्ञान में लाया कि राजेंद्र नगर सर्किल के अंतर्गत कई कॉलोनियों में कई पार्क, तालाब, नहरों व अतिक्रमण किया जा रहा है। वह किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्क और नदियों की रक्षा करेंगे। इसी कार्यक्रम में स्थानीय कॉर्पोरेटर अर्चना जिया प्रकाश, धर्मा रेड्डी, पद्मटी और श्रीधर रेड्डी और अन्य बीआरएस ने भाग लिया। विधायक सरकारी सचिव अरिके पूरी कांति ने कहा कि शरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 9 वर्षों में 170 करोड़ का विकास कार्य पूरा किया गया है। विधायक ने एल्विन कॉलोनी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक गांधी ने स्थानीय कॉर्पोरेटर तोडला
वेंकटेश गौड़ के साथ एल्विन कॉलोनी डिवीजन में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नई जल निकासी और क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की आधारशिला रखी है। विधायक ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया, 2 माह के अंदर फाउंडेशन का 90% काम पूरा हो जाएगा। डिवीजन की समस्याओं की पृष्ठभूमि में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। विधायक गांधी ने कहा, समय पर काम पूरा नहीं कर तुरंत दूसरे को ठेका देने वाले ठेकेदारों की पहचान रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में बीआरएस नेता धोंडला रामकृष्ण गौड़ सहित अन्य स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। वरंगल जा रहे जिला राजेंद्र का जनगांव में जिलाध्यक्ष दशमत रेड्डी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार से स्वागत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल बाद ओरुगलों की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक इचला ने कहा, वरंगल जिला बीजेपी में शामिल हो गया है और उसी के साथ खड़ा है। जब देश में केवल 2 सांसद थे तब हनामा कोंटा में 1 सांसद उपलब्ध कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उस प्यार को बांटने, लोगों का कर्ज उतारने और वरंगल के विकास में हिस्सा लेने आ रहे हैं। उत्तरी तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल में पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी लोगों को साहस देने के लिए उनमें आत्मविश्वास भरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वे कई वर्षों के सपने वैगन फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कई वर्षों से केंद्र राज्य सरकार के बीच फंसी रेलवे निर्माण केंद्र की समस्या का समाधान होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बार बार याद दिलाया है, अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 160 एकड़ जमीन रेलवे विभाग को सौंप कर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को आखिरकार सुलझा लिया। बताया जाता है कि 10 एकड़ जमीन का डेड अब तक रेलवे विभाग को नहीं मिला है। एमएलसी कविता ने साईचंद के परिवारों वालों से मुलाकात करी और हाल ही में साईचंद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। साईचंद के चित्रपट पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा को शांति मिलने की कामना करी है। इसी मौके पर कविता ने साईचंद के साथ अपनी नजदीकियों को याद किया है। एमएलसी करवंत कुंतला कविता ने तेलंगाना कार्यकर्ता राज्य गोदाम संगठन के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गायक साईचंद के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करी, जिनकी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। साईचंद की आवाज पर जाने पर एमएलसी कविता को देखकर साईचंद की पत्नी रो पड़ी और उन्हें सांत्वना देने के क्रम में कविता भी भावुक हो गई और उनसे आंसू छलक पड़े। एमएलसी कविता ने कहा, यह दुखद है, साईचंद की इतनी कम उम्र में मौत हो गई। कहा जाता है, तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने गीतों से कई लोगों को प्रेरित किया है और हम सभी इसी खबर को पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई है। साईचंद का निधन बहुत बड़ी क्षति है और उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने का वादा किया। जियो नंबर 46 को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने बीजेपी विधायक इचला राजेंद्र से मुलाकात करी है। शामिरपीर स्थित इचला के आवास पर गए पूर्व सैनिकों ने उनसे अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और समाधान करने की गुहार लगाई है। पूर्व सैनिकों ने कहा, तेलंगाना सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण पर दिखाए जा रहे भेदभाव के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह पता चला कि विरोध भी आयोजित किया गया था, क्योंकि राज्य सरकार से बार बार मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया और पूर्व सैनिकों ने उनसे भाजपा के घोषणा पत्र में पूर्व सैनिकों के मुद्दों को शामिल करने की अपील करी है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समूह के सदस्य बुग्गा वेणुगोपाल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण का अभिनंदन किया है। बुग्गा वेणुगोपाल के साथ राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी हैं। बुग्गा वेणुगोपाल ने कहा, 2 बार आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे किशन रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत होगी। भाजपा राज्य ओबीसी कार्यकारी समिति के सदस्य बुग्गा कृष्ण जुग्गल, एमपीटीसी बुग्गा प्रवीण कुमार, सरपंच सुनी गंटी और सिद्धुलू, एमपीटीसी टोटा गौतमी अशोक, मेंडे कुमार यादव, अलगानी नगेश और भाजयू मुनीता किट्टू, मुदिराज और बुरुकुंटा नागेश, वार्ड सदस्य मेडिबई श्रीनिवास, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चूंकि तेलंगाना में चुनाव इस साल है तो मुख्य पार्टियां पहले से ही प्रैक्टिस कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक और जहां बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए है, वही दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक तौर पर तैयारी कर रही है श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। टीपीसीसी एससी विभाग के तत्वाधान में इंदिरा भवन में एलडीएम बूथ लेवल मैनेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीपीसीएस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, राष्ट्रीय नेता कपुला राजू, एआईसीसी सचिव वैश्वनाथ और संपत कुमार, राष्ट्रीय नेता शशिकांत सित्तल,
कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौर, हरकर राव वेणुगोपाल, डीसीसी अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र के नेता ने बूथ स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया है। टीएसपीएससी कार्यालय को गुरुकुल अभ्यर्थियों ने घेरा। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए ये कहा कि तेलंगाना राज्य में गुरुकुल विद्यालयों में 5 वर्षों से पीईटी पद नहीं भरे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने गुरुकुल स्कूल में पीईटी पदों को भरने की अधिसूचना की कड़ी आलोचना करी और कहा है कि वे 1-2 पदवती के आधार पर नियुक्तियां करेंगे और अदालत के फैसले के बहाने से लंबित रखा है। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने जवाब दिया कि और मांग करी है कि नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा वह खेदजनक है, अदालत के फैसले के बावजूद नियुक्तियां नहीं की गई हैं। बेरोजगार जिंदगियां दुर्बल दृश्य बन गई हैं। गुरुकुल पीटी के चयनित अभ्यर्थियों ने गांधी भवन से टीएसपीएससी कार्यालय का घेराव कर टीएसपीएससी के सामने सड़क पर धरना दिया। इसी के चलते भारी यातायात रोक दिया गया। इससे पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी झड़प हो गई है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। कई महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि एबर्ट्स एसीपी पूर्णचंद राव ने महिलाओं की ओर देखे बिना उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। शरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में कुकुटपल्ली मंडल के पिपरीटी नगर कॉलोनी में कॉलोनी के निवासियों ने अपना चिंता व्यक्त की है। वे जियो के तहत वर्तमान शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है। इसी अवसर पर कॉलोनी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कॉलोनी वासियों ने वॉल पोस्टर का विमोचन किया है। पिपरेटी कॉलोनी को बसे 44 साल हो गए लेकिन अभी तक एक घर तक नहीं बन पाया है। उन्होंने अधीरता जताते हुए कहा वर्ष 2015 में 80 गज के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान करने के नोटिस मिले थे। उन्होंने कहा हमें वर्तमान में एक ही सर्वेक्षण संख्या वाले किसी भी ब्लॉक के लिए भारी अंतर का भुगतान करने का नोटिस दिया गया। उन्होंने कैबिनेट उप समिति से कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में नियमितीकरण के लिए दिए गए नोटिसों का गौर कर उनके साथ न्याय किया जाए। मौजूदा स्थिति में उन्हें 80 गज के लिए 20 लाख रुपए और 160 गज के लिए 30 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। अब भी पार्टी के टीआर और हरीश राव ने विशेष ध्यान देते हुए कैबिनेट उप समिति से निर्णय लेने और पपरेटी नगर कॉलोनी के निवासियों को न्याय देने की अपील करी है। हैदराबाद में एक वास्तविक घटना घटी जिसे फिल्म केरला स्टोरी से नहीं लिया गया। बीटेक छात्रा सोनिया जाधव की मां ने कहा कि उसके सहपाठी अमरीन ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे अलग कर दिया है। सोनिया और अमरीन बचपन से दोस्त हैं। मूलतः महाराष्ट्र के उदगीर इलाके के रहने वाले फिलहाल लंगर होज में रहते हैं लेकिन सोनिया की मां ने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सोनिया का धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस क्लब में रोते हुए कहा उन्हें पासपोर्ट दिया गया और उनके परिवार से छीन लिया गया ताकि वह सदमे में आ जाए। भले ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन ऐसा लग रहा है न्याय नहीं मिला है। मदनापेट इंस्पेक्टर जनैया ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जनैया ने संदिग्धों के प्रति सतर्क रहने का सुझाव दिया क्योंकि मोबाइल फोन चलाने वाले अपराधी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरे शातिराना अंदाज में अपराध करते हैं। दावा है सीआर की मदद से चोरी हुए मोबाइल फोन तेजी से रिकवर किए जा रहे हैं। उनके फोन बरामद कर 11 लोगों को सौंप दिए गए जिनके मोबाइल मन्नापेट पुलिस स्टेशन में जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगने से ज्यादातर अपराध कम हुए हैं। कुछ लोग खुद को बाबा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऊपर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आदर्श नगर में एक घर में 2 ठग बाबा बनकर आए और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर 2 तोला सोने के गहने उड़ा लेके गए। ठग बाबा के भेस में आते हैं, भोले भाले लोगों को अपना परिचय बाबा के रूप में देते हैं और घर में घुसकर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। नकली बाबा मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की बात करते हुए एक कटोरी में कपड़ा, चावल, हल्दी, केसर और सोना डालने को कहते हैं। इसी के बाद उन्हें नहाकर आने को कहा जाता है और इसी बीच ट्रक सोना उड़ा ले जाते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। ढोंगी बाबा के चोरी करने के दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। पीड़ितों को पिछले ठगों की फोटो दिखाने के बाद पीड़ितों ने पुष्टि करी कि वे पुराने अपराधी हैं। ऊपर पुलिस ने ढोंगी बाबा की तलाश शुरू कर दी है।
विवाहित संबंधों से दांपत्य जीवन में दरार पैदा हो रही है, कुछ लोग टेढ़े दिमाग से गलती कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सागरेड़ी जिले में घटी है। आईडी बुलारम चर्च बस्ती में पादरी की रासलीलाएं उजागर हुई है, जब उनकी पत्नी को किसी अन्य महिला के साथ उनके अवैध संबंध के बारे में पता चला तो पादरी के दुर्व्यवहार का भंडाफोड़ हो गया। पादरी की रास लीलाएं रंगारेड्डी जिले में प्रकाश में आई है। अपनी पत्नी और बच्चों के बावजूद पादरी को एक अन्य महिला से प्यार हो गया और उसने अवैध संबंध बना लिए। इसके बाद पादरी का दुर्व्यवहार उजागर हुआ, उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये घटना रंगारेड्डी जिले के आईडी बोलारम चर्च बस्ती में हुई। जयराज नामक पादरी का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, इसकी जानकारी जयराज की पत्नी को हुई तो उसने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और महिला से भीड़ गई। दोनों में झगड़ा हो गया और कस्बे में हंगामा मच गया। शहर के पहाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र के जलपल्ली नाला क्षेत्र के दो लोग नहर के पानी में डूब गए। वे दोनों नहर में तैरने पानी में उतरे और डूब गए। पहाड़ी शरीफ पुलिस जीआरएफ की टीम के साथ नहर के पानी में डूबे शेख हैदर और आजाद की तलाश कर रही है। मेरे भाई का नाम शेख मोहम्मद हैदर था। कल वो लोग सात जने यहाँ पर आए थे, आके यहाँ तैरने के लिए आए थे या क्या करने आए थे मालूम नहीं। कल 4 बजे से नहीं है, चार एरिया ये जलपल्ली है। कहाँ रहते थे? काले पत्थर। क्या काम कर रहे? सेल्समैन का करते थे। कल 4 बजे आप लोग मेरे को अब सुबह में इतला मिली के ऐसा ऐसा हुआ बोल के एक दोस्त फोन करके बोले कि ऐसा तालाब में गिर गए आओ जल्दी आओ बोल के बोल तो हम लोग आए यहाँ पर। तीन जने अंदर कूदे गए थे, 7 जने थे, 3 जने अंदर कूदे जिसमें से एक जना तीर के निकल के बाहर भाग गया, उन्हें 2 जने अंदर ही रह गए। मैरिड थे, उनका बच्चा है, बड़ा बच्चा है उनका। ये तो सुबह 11 बजे से ढूंढ रहे हैं वो लोग, अभी कुछ भी रिस्पांस नहीं आया कुछ भी। अब 24 घंटे हो गए पूरे, अब कोई तीरने वाले कोई होता हो रहा है कि देखे तो ना, इन लोग खाली बस जाल डाल के देख रहे, कांटे डाल के देख रहे, उससे कुछ हो रहा तो नहीं। और एक जो साथ में उनका कुछ दोस्त थे, गए थे उनके कुछ नाम वगैरह। अब 3 जनों को तो पुलिस लेके चले गई जो साथ में थे, साथ में रहने वाले 2 जने अंदर है, 3 जनों को पुलिस लेके चले गए, 1 जना जो है भागा हुआ है उन्हें। अब उन्हें आया तो पूरी डिटेल मिलती कैसा गिरे क्या गिरे, तीनों एक साथ कूदे थे अंदर। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई? उन्हें मेरा हमारा भाई यहाँ तक तो आता नहीं, उसको कोई लेके आया ऐसा दिख रहा मेरे को, उन्हें आता नहीं, अति अंदर तक आता नहीं, उन्हें खाली इंजन बोली से हटता नहीं, उन्हें इंजन बोली। इनके जो दोस्त हैं हाँ भाई, ये पुराने नहीं है, नए लोग हैं, ये नए लोगों को देखा मैं, पुराने में कोई दोस्त नहीं था इनका, नए लोगों को देखा, पुराना एक भी नहीं दिखा मैं। जो साथ में जो बच्चा जो गया ना, वो एक बच्चा पुराना है, वो मिलता था झुलता था, उन साथ में रहते थे। अमजद नाम है उनका, मेरे भाई का नाम शेख मोहम्मद हैदर है। अब अभी तक तो कोशिश चल रही है, अब हमारी अपील है कि कोई होता खोर को बुला के अंदर कूद के देखने लगाओ बोल के हमारी अपील है। ये कोई बोल रहे नहीं, कोई आ रहे नहीं, कोई एक्शन ले रहे नहीं, किसी को अब तक तो बुलाए नहीं यहाँ पे। पुलिस टीम भी है यहाँ पर, CI साहब भी है, SI साहब भी है, पूरे यहाँ पर मौजूद है। अब देखना अब क्या है क्या नहीं, अब उन लोग ही कुछ करना फोन आ करके, अब उन लोग के ऊपर ही है। अब सुबह 11 बजे से तो हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं अभी। आषाढ़ में जब भी आता है हमें बुनालू की याद आती है। बुनालू उत्सव को हर साल हैदराबाद में भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार गोलकुंड बुनालू 22 जून को शुरू हुआ है, ये 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। बुनालू भोजन का अभ्रश है, न केवल हमारे बच्चे और परिवार के सदस्य बल्कि पूरे गाँव पर करुणा दया और सुख शांति प्रदान करने के लिए देवी माता को भक्ति पूर्वक छुड़ाते हैं। लोगों का मानना है कि आषाढ़ में देवी माता मायके आती है। इसलिए इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य बोनम पकाना और देवी माता को अर्पित करना है, इसलिए लोग देवी माता को प्यार से बोनम चढ़ाते हैं यह सोचकर क्योंकि बेटी घर आई है।
इसी के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। आषाढ़ माह में वर्षा प्रारंभ होती है, बरसात का मौसम शुरू होते ही अनेक बीमारियां आती है। यह सब बीमारियों के बच्चे को ना लगे या ना आए मानकर देवी माता को बोनम चढ़ाते हैं। बोनम के रूप में मिट्टी के बर्तन को हल्दी से लेप दिया जाता है और पूरी नीम की पत्तियों बांध दी जाती है। ऐसा करने से बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। अलम्मा मैसम्मा पोचम्मा मुत्यालम्मा मैदम्मा और नाम चाहे कुछ भी हो, गांव के लोग पूरे परिवार पर दया करने के लिए शक्ति स्वरूप मानी जाने वाली देवी माता की पूजा करते हैं। देवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हर संकट और मुसीबतों से बचाए रखें। इसी तरह ग्राम देवताओं को पूजने का अवसर ही बोनम है। गोलकोंडा किले में शुरू होकर श्रावण तक बोनालू उत्सव चलता है। जिन श्रद्धालुओं के पास मन्नते होते हैं वे सामान्य दिनों में भी बोनम भेंट चढ़ाते हैं। बेटी के विवाह के दौरान लड़की के रिश्तेदार नाई नई दुल्हन के साथ बोनम चढ़ाते हैं। व्यवसाय में लाभ मिलने और बीमारियों से ठीक पाने पर भी देवी माता को बोनम चढ़ाते हैं। ये बोनम पूरे साल रविवार और मंगलवार को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा खेत में फसल, आंगन में फसल आने और घर की रक्षा करने वाली देवी माता का एक छोटा सा मंदिर बनाकर साल में एक बार बोनम चढ़ाने की भी प्रथा है। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर का एक इतिहास है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र के मूल निवासी सुरटी अयप्पा को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने के बाद वर्ष 1813 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तभी भाग्यनगर में प्लेग से हजारों लोगों की मौत हो गई। यह जाने के बाद अयप्पा अपने साथियों के साथ उज्जैन के देवी माता मंदिर गए और लोगों को महामारी से बचाने के लिए प्रार्थना करी। यदि प्लेग शांत हो गया तो देवी माता की उज्जैनी मंदिर बनवाने की मन्नत मांगी। तभी प्लेग रोग शांत हुआ। इसके बाद 1815 में वह शहर लौट आए और देवी माता की मूर्ति स्थापित करी और मंदिर का निर्माण किया। तब से आषाढ़ बोनालू उत्सव चल रहा है। पहले इस त्योहार पर बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए मंदिर परिसर में भैंस की बलि दी जाती थी। आजकल भैंस के बदले मुर्गों की बलि देने की रिवाज बन गया है। पुनकम आने वाली कुछ महिलाएं अपने सिर पर बोनम रखती हैं और देवी की याद में ढोल की लयबद्ध थाप पर नृत्य करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं बोनम लेती हैं उन पर देवी माता का वास होता है। चूंकि महाकाली रुद्र रूप का प्रतीक है इसलिए देवी माता को शांत करने के लिए मंदिर के पास आते ही महिलाओं के पैरों पर पानी से धोते हैं। उनकी भक्ति के प्रतीक के रूप में झूला, कागज या छड़ी से बनी एक छोटी रंगीन वस्तु चढ़ाने की प्रथा है। चूंकि बोनालू उत्सव देवी माता को प्रसाद चढ़ाने का त्योहार है इसलिए मेहमानों के साथ साथ परिवार के सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के बाद शुरू होता है मांसाहारी भोजन। जिन इलाकों में यह उत्सव होता है वहां पर नीम के पत्तों से बने तोरण दिखाई देते हैं। के बाद एक मंदिर में बोनालू उत्सव आयोजित करने का भी एक पैटर्न है। आषाढ़ यात्रा गोलकोंडा किले में महाकाली मंदिर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत आषाढ़ महीने के पहले गुरुवार या रविवार को होती है। उसके बाद हर अगले रविवार को गुरुवार को बोनालू यात्रा आयोजित की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में 7 बहनें होती हैं। गोलकोंडा बोनालू के दिन गोलकोंडा क्षेत्र के उन 7 बहनों को बोनम दिया जाता है। गोलकोंडा बोनम गोलकोंडा के आसपास के कारवां धूलपीठ पत्थर घंटी और राय दुर्गम तक मनाया जाता है। गोलकोंडा महाकाली माता देवी बोनालू का उज्जैन महाकाली का इंतजार करती है। गोलकोंडा में बोनालू के बाद अगले रविवार को लश्कर में उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन लश्कर में 7 बहनों के सभी मंदिरों में बोनालू यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिकंदराबाद छावनी मुलाली ECIL और के आसपास के इलाकों में लश्कर बोनालू का आयोजन किया जाता है। तो टेटला शोभा यात्रा पुतराचू के नित्य शिव सत्यो के पुनकालों के साथ लश्कर बोनालू शहरों को एकजुट करते हैं। उज्जैन महाकाली देवी माता के बोनालू का लाल दरवाजा इंतजार करता है। लाल दरवाजा बोनालू उत्सव के दिन पुराने शहर की 7 बहनों का बोनालू अर्पित किया जाता है।
पुराने शहर की सड़कें पर पुतराचू के नित्य देखते ही बनती हैं। बोनमलिए महिलाओं को देखकर लगता है कि किसी नदी का प्रवाह बह रहा है। देवी माता का भाई पुतराचू है। बुनालू के समय पुतराचू जैसे एक व्यक्ति के जरिए पूरे त्योहार को बांधे रखा जाता है। पुतराचू की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बलवान होता है। उसका शरीर हल्दी से लेप दिया जाता है। माथे पर केसर कुमकुम है, पैरों में घुंघरू है, छोटी लाल धोती पहनते हैं और ढोल की धुन पर नृत्य करते हैं। वह भक्तों की भीड़ के सामने डांस करता है। पुतराचू को पूजा कार्यक्रमों के आरंभकर्ता और भक्त समुदाय के रक्षक के रूप में माना जाता है। वह कोड़ों से वार करते हुए कमर के चारों ओर नीम के पत्ते लपेटते हुए वह महिला भक्तों को देवी माता के मंदिर में देवी के दर्शन के लिए ले जाता है। देवी के आकार में सजाए गए तांबे कलश को घटम कहा जाता है। इस घटम को पारंपरिक पोशाक में पीली पगड़ी पहने एक पुजारी लेकर जाता है। उत्सव के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन विसर्जन तक इस घटम की परी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है। रंगम के बाद घटम उत्सव होता है। यह उत्सव के अगले दिन भी सुबह होता है। एक महिला मिट्टी के बर्तन के ऊपर खड़ी होकर देवी महाकाली का आह्वान करती है। वह भविष्य के बारे में पूछने वाले भक्तों को बताती है कि आने वाले साल में क्या होगा। यह जुलूस के सामने होता है। श्री उज्जैन महाकाली देवस्थानम और सिकंदराबाद के अन्य प्रमुख मंदिर छठवीं पीढ़ी के रंगम कुमारी गेरुवला स्वर्णलता है। ऐसी भविष्यवाणी श्रद्धालु इंतजार करते हैं। इसी के बाद लाल दरवाजा का रंगम होता है। वहां पर अनुराधा भविष्यवाणी सुनाती है।